ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदू धर्म और हिंदू मंदिरों से जुड़े पांच ऐसे रोचक तथ्य जिनके बारे में आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को और बतलाते हैं आपको हिंदू धर्म से जुड़े हुए इन पांच अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर वन, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारतीय बागममय में सबसे प्राचीन विमान के रूप में पुष्पक विमान की चर्चा सबसे पहले वाल्मीकि रामायण में की गई थी। वैदिक साहित्य में भी देवताओं के विमानों की चर्चा है, लेकिन दैत्यों और मनुष्यों द्वारा उपयोग किया गया पहला विमान पुष्पक ही माना जाता है। दोस्तों वाल्मीकि रामायण के विभिन्न संदर्भों का सार यह है कि विश्वकर्मा जी ने पुष्पक विमान का निर्माण कर ब्रह्मा जी को भेंट किया था। ब्रह्मा जी ने यह विमान लोकपाल कुबेर को दे दिया। कुबेर से ही इस विमान को रावण ने छीना। रावण के अनुसार इस विमान की विशेषता यह थी कि इसका स्वामी जो मन में विचार करता था उसी का यह अनुसरण करता था। भगवान श्री रामचंद्र रावण पर विजय के बाद इसी विमान से अयोध्या लौटे थे। भगवान ने उपयोग के बाद पूजन कर यह दिव्य विमान वापस कुबेर जी को लौटा दिया था। फैक्ट नंबर टू, दोस्तों क्या आपको पता है कि हर वर्ष पौष के महीने में कामाख्या देवी मंदिर में भगवान कामेश्वर और देवी कामेश्वरी के बीच प्रतीकात्मक विवाह और पूजा की जाती है। इसे पोहन बियाह पूजा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कामाख्या देवी मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जमीन से लगभग 20 फीट नीचे एक गुफा में स्थित है। यहाँ माता कामाख्या के दर्शन के साथ ही महाभैरव उमानंद के दर्शन भी किए जाते हैं, जिनका प्राचीन मंदिर गुवाहाटी शहर के निकट ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य भाग में टापू के ऊपर स्थित है। दोस्तों कामाख्या देवी मंदिर कई बार टूटा और बना है। आखिरी बार इसे 16वीं सदी में नष्ट किया गया था, जिसका पुनः निर्माण 17वीं सदी में राजा नर नारायण द्वारा करवाया गया था। फ्रेंड्स, इस मंदिर में प्रतिवर्ष जून माह में अम्बुवाची मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में भाग लेने के लिए देश भर से लाखों की मात्रा में तांत्रिक और अघोरी भी यहाँ आते हैं। फैक्ट नंबर थ्री, दोस्तों क्या आपको पता है कि मध्य प्रदेश के मुरैना शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर चंबल के जंगलों में 200 विशालकाय मंदिरों का एक समूह है। मंदिरों के इस समूह को यहाँ बटेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र का उल्लेख ऐतिहासिक साहित्य में धरोन या परवली अर्थात परावली के रूप में किया गया है। दोस्तों बलुआ पत्थरों से बने 25 एकड़ में फैले इन हिंदू मंदिरों में से अधिकांश मंदिर भगवान शिव को समर्पित हैं। यहाँ मंदिरों के बीच हनुमान जी की एक ऐसी प्रतिमा है फ्रेंड्स, जिनमें वे अपने पैरों से कामदेव और रति को कुचलते हुए दिखाई देते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के अनुसार बटेश्वर मंदिर और परिसर संस्कृत हिंदू मंदिर वास्तुकला ग्रंथों मानसारा शिल्प शास्त्र 4वीं शताब्दी में बनाए गए वास्तुशिल्प सिद्धांतों और 7वीं शताब्दी में लिखित मयमत वास्तु शास्त्र के आधार पर बनाया गया था। भारतवर्ष में संभवतः कहीं भी अन्यत्र इतने मंदिर एक साथ नहीं दिखते हैं। फैक्ट नंबर फोर, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि गोरखपुर से 25 किलोमीटर दूर खजनी कस्बे के पास एक गांव है। फ्रेंड्स, यहां पर महादेव का एक अनोखा और विशाल शिवलिंग स्थापित है, जिसे झारखंडी शिवलिंग कहा जाता है। यह शिवलिंग कई सौ वर्ष पुराना स्वयंभू शिवलिंग है। फ्रेंड्स, आक्रमणकर्ता महमूद गजनवी ने इसे तोड़ने की बहुत कोशिश की, मगर वह सफल नहीं हो पाया। इसके बाद उसने थक हार कर इस शिवलिंग के ऊपर ला इलाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखवा दिया, ताकि हिंदू इसकी पूजा नहीं करे। लेकिन इसके बाद भी लोगों ने यहाँ पूजा अर्चना नहीं छोड़ी। मान्यता है कि इतना विशाल स्वयंभू शिवलिंग पूरे भारत में सिर्फ यहीं पर है। क्षेत्रीय मान्यता है कि इस शिवलिंग के पास ही स्थित पोखरे के जल को छूने से एक कुष्ठ रोग से पीड़ित राजा ठीक हो गए थे। तभी से अपने चर्म रोगों से मुक्ति पाने के लिए लोग यहाँ पर 5 मंगलवार और शनिवार स्नान करते हैं और अपने चर्म रोगों से छुटकारा पाते हैं। एक अनोखी बात यह भी है फ्रेंड्स कि इस मंदिर में कई प्रयासों के बाद भी कभी छत नहीं लग पाई। और फैक्ट नंबर फाइव, फ्रेंड्स क्या आप यह जानते हैं कि हिंदू धर्म में गृह निर्माण से पहले मकान की नींव में चांदी के सर्प को प्रतिष्ठित किया जाता है। यह कर्म कांड इसलिए किया जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसा माना गया है कि क्षीर सागर में रहने वाले शेष नाग ने अपने फन पर पृथ्वी को धारण कर रखा है। इस पूजन में मंत्रों से
आवाहन कर शेषनाग को बुलाया जाता है और उनसे विनती की जाती है कि जिस प्रकार उन्होंने पूरी धरती का भार अपने फन पर धारण किया हुआ है, उसी प्रकार उस घर की नींव भी चांदी के नाग के फन पर पूरी मजबूती के साथ स्थापित रहे। तो दोस्तों, यह था हिंदू धर्म और हिंदू मंदिरों के बारे में 5 अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा अमेजिंग फैक्ट नहीं पता था, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।